हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर वन रियल नंबर जैसा कि कंप्लीट कर चुके हैं एनसीईआरटी लेवल पे, तो आज हम कुछ सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम लाए हैं 10 इयर्स के, वो एक एक करके देखेंगे। जैसे ये देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर वन है, इसमें बोल रहा है कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, एक ए एंड बी, देर आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ए की वैल्यू है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड बी की वैल्यू है एक्स वाई क्यूब। देयर आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब आपसे एलसीएम जानना चाह रहा है ए एंड बी का। ठीक है, किसका एलसीएम जानना चाह रहा है? ए एंड बी का। एक ये गिवन में बोल रहा है कि एक्स वाई प्राइम नंबर्स है, एक्स वाई आर प्राइम्स, ये एक्स वाई प्राइम नंबर्स है, तो एलसीएम ऑफ ए बी बताइए। जब हम क्वेश्चन लिखें तो आप लोग वीडियो पॉज करके पहले उसको सॉल्व करें, फिर प्ले करके आंसर मिलाएं। ये देखिए, एलसीएम में हम आपको क्या कॉन्सेप्ट बताए थे कि सभी नंबर्स लिखना है, बट मिनिमम पावर वाला लिखना है कि मैक्सिमम पावर वाला? मैक्सिमम पावर वाला। मिनिमम पावर तो एलसीएम में फाइंड करते हैं जब दोनों में जो कॉमन देखते हैं। तो यहाँ एक्स क्यूब है और यहाँ एक्स है, दोनों में मैक्सिमम पावर कौन है? एक्स क्यूब, तो ये लिख देंगे एक्स क्यूब। और वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में मैक्सिमम पावर कौन है? एलसीएम में मैक्सिमम पावर देखेंगे, और एचसीएफ में कॉमन देखना होता है इसलिए मिनिमम पावर देखते हैं। अब वाई स्क्वायर वाई क्यूब में मैक्सिमम कौन है? वाई क्यूब और वाई स्क्वायर में मैक्सिमम कौन है? वाई क्यूब, और इसमें था एक्स क्यूब, इन दोनों में तो एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ ए बी क्या हो गया? एक्स क्यूब वाई क्यूब। ये आपका 2019 में 1 मार्क का क्वेश्चन था। हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि आपको आइडिया लगना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में कैसा पूछ रहा है। ठीक है, इसको आप नोट कर लें, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 कराते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये नंबर क्वांटिटी दिया है, पूछ रहा है रेशनल है या नहीं, ये आपको फाइंड करना है। तो रेशनल है कि इरेशनल, ये आपको बेसिकली बताना है। तो जब भी रूट के कई सारे कंबाइंड नंबर्स वगैरह दिए हों तो उसको हम पहले सॉल्व करेंगे ना, और सॉल्व करने के बाद डिसाइड करेंगे कि रेशनल है या नहीं। रेशनल होगा तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते होंगे उसको ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 45 है, 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग जानते हैं 3 × 3 × 5, और रूट 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 5, और यहां भी 20 है, तो 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20। क्लियर है? अब आप बताइए कि इस दोनों रूट कैसे सॉल्व होता है, जब दो नंबर रहते हो तो एक बाहर आता है, तो 2 × 3 = 1 बाहर आएगा, इसको क्या बनाएगा? 6, और ये रूट 5, और ये 2 है तो 1 बाहर आएगा, तो 3 × 2 = 6 रूट 5, और नीचे 2 बाहर आएगा तो 2 × 2 = 4 रूट 5, और ये हो जाएगा 6 √5 = 12 √5, और ये 4 √5 कैंसिल होगा, और 4 × 3 = 12, 3 आ गया। अब बताइए 3 रेशनल है या इरेशनल? तो 3 इज रेशनल। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यस, गिवन नंबर इज रेशनल। ये भी आपका क्वेश्चन 2018 में आया था 1 मार्क में। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि कोई एक नंबर दे देगा और उसको पूछ देगा कि ये रेशनल है कि इरेशनल। नोट कर लें बच्चों इसको आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 3 आप नोट कर लें, 2016 में आया है 2 मार्क्स में। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 to the power n, -1 के पावर 2n, -1 to the power 2n+1, और यहाँ -1 के पावर कितना है? 4n+2 है। अच्छा, n क्या है? n है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, मींस n हो सकता है 1, n क्या है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो n की वैल्यू हो सकती है 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है ना, ये सब क्या है? ऑड इंटीजर है, तो इन सब में n की वैल्यू कोई भी हो सकती है।
अब आप एक बात ये जानते हैं कि -1 के पावर अगर इवन रहेगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा, और -1 के पावर अगर ऑड रहेगा तो निगेटिव में आएगा। जैसे -1 के पावर अगर 2 है तो इसको -1 × -1 लिखेंगे तो -1 प्लस हो जाएगा ना, तो 2 क्या है, इवन है। तो पावर में अगर इवन है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, अगर निगेटिव के पावर अगर इवन है, और अगर ऑड है तो -1 का 3 × 2 होगा, तो -++-। तो आपको ये बात याद रखना है कि अगर माइनस के पावर इवेन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और माइनस के पावर ऑड है तो आंसर निगेटिव आएगा। यहाँ पे आपको हम एग्जांपल से बताए हैं। अब एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो देखा जाए कि एन 2n, 2n+1, 4n+2 क्या होगा। इसको चेक करने के लिए देखिए, -1 एन क्या है, ऑड है ना, तो ये ऑड ही रहेगा। अब -1 इसको चेक करते हैं, एन की जगह कोई एक ऑड नंबर बोलिए 3, तो 3 रखेंगे तो 3 × 2 = 6 इवन आ जाएगा। 5 रख लीजिए तो 5 × 2 इवन आ जाएगा। तो इफ एन इज ऑड देन 2n इज इवन, तो -1 पर इवन आ गया। अब यहां चेक करिए, एन के प्लेस पे कोई एक ऑड नंबर 3 रखेंगे तो 3 × 2 = 6 + 1 = 7, 5 रखेंगे तो 5 × 2 = 10 + 1 = 11 ऑड आ रहा है। तो ये क्वांटिटी क्या हो गई, ऑड हो गई प्लस। और यहां 2 रख के देखिए, ऑड है ना, एन के प्लेस पे 3 रखिए, 5 रखिए, 1 रखिए, 3 रखते हैं तो 3 × 4 = 12, 12 + 2 = 14 इवन आ गया। ये तो 1 के पावर कुछ भी रहा, आंसर तो 1 ही आएगा। अब देखना है माइनस आएगा कि प्लस। अगर ऑड है तो क्या आएगा, माइनस में, इवन है तो क्या आएगा, प्लस में। तो -1 नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ऑड है पावर में तो आंसर किस में आएगा, माइनस में, और इवन है पावर में तो आंसर किस में आएगा, प्लस या माइनस, बिल्कुल प्लस में आएगा। तो -1 + 1 कट जाएगा, और यहाँ -1 + 1 कट जाएगा, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो कितना आसान क्वेश्चन था। तो इस टाइप का देखिए 2016 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये है, आपको एग्जाम्पल रख के पता लगा लें कि ऑड है कि इवन है, और माइनस के पावर अगर ऑड रहेगा तो आंसर माइनस आएगा। और सपोज यहाँ 2 रहता तो जो ना, तो 2 रहता तो यहाँ क्लियर, यहाँ पे तो हम लोग एन की वैल्यू एन के फॉर्म में आंसर देते, या 2 के पावर एन, या 3 के पावर एन, इस टाइप से। तो क्वेश्चन का प्रारूप कुछ और रहता, यहां माइनस है इसलिए हम आसानी से आंसर निकाल लिए। इसको भी नोट कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लें आप लोग। देखिए 2014 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है क्या क्वेश्चन, इफ द एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 13m-3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। देखिए कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, बोल रहा है कि एचसीएफ को अगर इस फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर दें तो m की वैल्यू बताइए। तो एचसीएफ फाइंड करना तो हम लोग को आता है, चलते हैं पहले हम लोग इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करते हैं लॉन्ग डिविजन मेथड से। तो 180 जो स्मॉलेस्ट रहता है उससे डिवाइड करते हैं, 144 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा 144, रिमाइंडर कितना आएगा, 10 में से 4 गया 6, 7 में 4 गया 3, फिर 144 यहाँ लिखेंगे कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम, 9 × 6 = 54, 4 टाइम जाएगा, 4 × 6 = 24, 4 × 12 = 14 ना, ये आ गया हमारा एचसीएफ। लास्ट में जिससे डिवाइड करते हैं वो आता है ना, तो एचसीएफ कितना आ गया, 36 आ गया। तो ये तो आपके लिए बहुत आसान था, एचसीएफ आप एनसीईआरटी में खूब निकाले भी हैं। अब इसके आगे क्या कह रहा है कि अगर एचसीएफ को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा एचसीएफ आया है वो इसके इक्वल होना चाहिए 13m-3 के। तो एचसीएफ की वैल्यू रख दें 36 = 13m-3। अब यहां से m की वैल्यू फाइंड हो जाएगी कि नहीं, कितना आसान, -3 साइड आ गया, +3 हो जाएगा 13m,
36 में 3 ऐड कर लें, 39 हो गया, 13 से 39 को डिवाइड कर दें, एम की वैल्यू 3 आ गई। ठीक, तो था ना आसान क्वेश्चन नंबर 4, ये 2014 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस टाइप का कई बार एग्जाम में आ चुका है। एचसीएफ को किसी फॉर्म में एक्सप्रेस दे देगा, तो हम लोग एचसीएफ फाइंड करके उसको इक्वल कर लेंगे, और किसी कांस्टेंट की वैल्यू जो पूछेगा वेरिएबल या जो भी एम के उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो इसको भी आप लोग नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए स्टूडेंट, नोट कर लीजिए, पहले इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करिए। ये देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2012 में आया है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2012 में आया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी लगाना है, उसके बाद हम लोग को बोर्ड क्वेश्चन की भी प्रिपरेशन करनी है। देखिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, बोल रहा है कि द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। जो 2 नंबर्स हैं उनका एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 14 टाइम्स है। ध्यान से देखें, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। पहले इसका मतलब समझिए, यहां से लेके यहां तक का। तो आप बताइए, अगर हम HCF को X सपोज कर लें तो LCM 14X हो जाएगा कि नहीं? देखिए, the LCM of 2 number is 14 times their HCF। दो नंबर कोई भी होंगे उससे हमसे नहीं मतलब, लेकिन कह रहा जो उनका LCM है वो HCF का 14 times होना चाहिए। तो HCF हम लोग X सपोज कर लेंगे तो X का 14 times क्या होगा? 14X, ये हो गया। आगे पढ़िए, बोल रहा है द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600, मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो 600 है। एलसीएम और एचसीएफ का सम कितना है? 600 है। तो पहले अब इसका बात करते हैं, यहां से यहां तक देखिए, क्वेश्चन में एक एक स्टेटमेंट का यूज करते हुए सॉल्व किया करिए। तो sum of LCM and HCF is 600, अब LCM बताइए कितना है? 14x, HCF कितना है? x, और ये गिवन है किसके? 600 के, तो इसको हम ऐड कर लें, 15x is equal to 600, तो x 15 से डिवाइड कर लें, कितना आ जाएगा? 40, यहां तक क्लियर हो गया। आगे पढ़िए, बोल रहा है इफ वन नंबर इज 280 देन फाइंड द अदर नंबर। अगर वन नंबर 280 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? अब आप सोचिए, आपको हम एक फॉर्मूला लिखवाए हैं, यहां लिख रहा है वो फॉर्मूला आप लोग के लिए याद करिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। बोलिए याद आया? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो वन नंबर कह रहा है कि 280 है, दूसरा नंबर बताइए, तो वैल्यू पुट कर देते हैं सबका। एलसीएम की जगह पे क्या पुट करेंगे? 14x। एचसीएफ की जगह पे क्या पुट करेंगे? x। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो पहला 280 है, दूसरा पूछ रहा है, दूसरा हमें नहीं पता, इनटू अदर नंबर, इनटू अदर नंबर, कोई डाउट? अब बताइए इसमें और किसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं? यस, एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू कितनी है? 40, तो यहां एक्स की वैल्यू 40 भी पुट कर दे रहे हैं हम लोग। एक्स की वैल्यू 40 पुट कर दिए, ये 40 पुट कर दिए, एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर दिए? 40, क्योंकि हमारे पास एक्स की वैल्यू 40 यहां पे आई है, तो 40 पुट कर दिए, और 280 इंटू अदर नंबर, अदर नंबर को हम बी सपोज कर लिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां से बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी कि नहीं? यहां से क्या आ जाएगा? 14 इंटू 40 इंटू 40 अपॉन 280 इज इक्वल टू बी आ जाएगा। आसान था, जीरो से जीरो कैंसिल, 14 टू जा 28, 2 से इसको कैंसिल किए 2, 14 टू जा 80, तो दूसरा नंबर हमारा क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार आप फिर से रिप्ले करके देख लें और इसको अपने से एक बार कर लें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, प्लीज नोट इट डाउन।
ये क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लीजिए आप लोग, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 3 bells toll at interval of 12 minutes, 15 minutes and 18 minutes। 3 bell है, एक 12 मिनट पे बज रहा है, एक 15 मिनट्स बाद बज रहा है और एक 18 मिनट्स बाद बज रहा है। बोल रहा है इफ दे स्टार्ट टॉलिंग टुगेदर, अगर एक साथ दोनों एक साथ बजा, तीनों एक साथ बजा, तो बोल रहा है आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टॉल टुगेदर, तो कितने देर बाद तीनों फिर से एक साथ बजेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि इसमें हम एलसीएम फाइंड करें या एचसीएफ फाइंड करें। ठीक है, तो आपको हम पहले एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस बता दें। जैसे अगर हम बोलें कि ये 3 नंबर्स हैं ए बी सी, इसका एलसीएम आ गया एक्स, सपोज कोई भी 3 नंबर है उसका कुछ ना कुछ एलसीएम आएगा, तो हम सपोज कर लिए ये, और यही 3 नंबर है इसका एचसीएफ आ गया वाई। तो पहले इन दोनों में डिफरेंस समझिए आप। ये जो जब हम एलसीएम निकालते हैं तो जो गिवन नंबर होते हैं वो एलसीएम को डिवाइड करते हैं, और जब एचसीएफ फाइंड करते हैं तो गिवन नंबर को जो आता है वो इसको डिवाइड करता है। नहीं समझे, जैसे देखिए हम बोले 2, 4, 6, इसका एलसीएम 12 आएगा, निकाल लीजिएगा 2, 4, 6 का एलसीएम। 2, 4, 6 का एलसीएम निकालते हैं आप लोग ऐसे ही ना, तो कितना आएगा 12, और जब आप इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे तो आएगा 2। दोनों में डिफरेंस समझिए, एलसीएम को नंबर्स डिवाइड कर रहा है, देखो ये इसको डिवाइड किया, ये इसको डिवाइड किया, ये इसको डिवाइड किया, और एचसीएफ जो आता है वो नंबर्स को डिवाइड करता है ना। अब आप सोचिए कि 3 bell है, इतने इतने मिनट बाद बज रहे हैं, आपको कौन सा समय चाहिए, जिस टाइम को ये तीनों डिवाइड कर दे, जिस टाइम को ये तीनों डिवाइड कर देगा मतलब उस टाइम 12 जैसे डिवाइड कर रहा है किसी नंबर को, इसका मतलब 12 उसमें आ रहा होगा तभी तो डिवाइड करेगा। तो तीनों नंबर को, तीनों बेल को एक साथ बजना है तो हमें ऐसा नंबर चाहिए होगा जिसको ये तीनों डिवाइड कर दें, मतलब ये तीनों उस नंबर में प्रेजेंट होने चाहिए ना। तो हमें ऐसा नंबर कौन सा मिलता है जिसको गिवन नंबर डिवाइड कर दें, वो होता है एलसीएम। इसलिए हम यहां पे क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 12, 15, 18 का एलसीएम फाइंड कर लीजिएगा, एलसीएम सबको आता ही है। देखिए इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन भी लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं कितना आता है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 180। तो 180 मिनट्स बाद एक साथ सब बजेंगे। भाई 12 भी 12 भी इसको डिवाइड कर देगा, इसका मतलब 12 मिनट बाद बज रहा है। आप सोचिए 12 मिनट बाद बजा, फिर 12 मिनट बाद बजा, फिर 12 मिनट बाद बजा, तो अगर इसको ये 12 डिवाइड कर रहा है, 15 भी इसको डिवाइड कर रहा है, 18 भी इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये एक ऐसा समय जहां तीनों एक बार पहुंचेंगे ना। तो इस क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लगाएं क्वेश्चन और थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिखें कि कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है या कौन सा समझ में आ रहा है थोड़ा सा, तो हमें लगे कि हाँ आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम और भी वीडियोज डालेंगे। ठीक है, ओके बाय।